मीडिया का फायदा उठाकर जितना चाहे चिपक लो, मेरी नस्ल तो फिर भी गंदा नहीं कर पाओगी। एक बार मुझे वो लाल बत्ती हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, फिर सबसे पहले बुलडोजर कृष्णपुरी पर चलेगी। फिर ना रहोगी तुम, ना तुम्हारी माँ, और ना तुम जैसे पैदाइश के लोग। तुम जैसी नस्लों की लोगों को घुसपैठ की आदत होती है, बट हमारे जैसे घराने के लोगों को गंदगी साफ करना आता है। अपनी बेटी को बचाए नहीं जाएंगी? आखिरी कुछ पल बचे हैं इसके पास, और शुड आई से आप दोनों के पास। हैप्पी जर्नी जर्नी, नर्क तक का सफर आरामदायक हो। 3, 2, 1, एक्शन! सजाकर आरती का ये थाल, करने सबका मान मनुहार। खिल उठी आंखें खुशी से यूं, साथ आया जो मेरा प्यार। लुकिंग क्यूट जान, भेड़िया के दम पे कब तक उछलेगी यू मेरी जान। गौर से नजरें दौड़ाई, आए नहीं अब तक मेहमान। नरेन, कल चंद्रिका के लिए बहुत बड़ा दिन है, उनकी अपनी नृत्य कला केंद्र की स्थापना है, और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अपनी सास पर। गर्व माय फुट, जो हर रोज खुद उस गली का नाश्ता करते हो, वो तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे ना। बट लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, इस घर का कोई भी मेंबर उस डांस एकेडमी में कदम तक नहीं रखेगा। वहां जाकर तवायफ का नाश नहीं देखना है हमें। मजाक बना रखा है उन बेचारों का। बाय द वे, आपकी और पूजा की मिली भगत किसी से छिपी नहीं है दादाजी। तो छिपाना कौन चाहता है बबुआ। इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं। सुप्रिया बहू, पूजा का बहुत मन था कि तुम कल जरूर आओगी। तुम चलोगी ना? नो वे सुप्रिया, उस लड़की की माँ के पास तो बिल्कुल मत जाना। अरे पिछली बार हॉकी स्टिक से मार दिया था, अब की बार कहीं गला ना दबा दे। अनबाऊ जी, I'm sorry, पर बहुत हुई आपकी मनमानी। अगर हार्दिक ने 3 महीने पहले हिम्मत दिखाई होती तो आज व्यास मैंशन का बंटवारा नहीं हो रखा होता। चाची प्लीज। नैनों में दर्द छिपाए मेरी प्यारी जीजी आई। नैना तो छलते हैं लेकिन बात हमारी समझ में आई। बड़ी समझदार है मेरी बहना, पर भूलना मत मेरी मैना, आंख मिचौली के खेल में कहीं पड़ ना जाए तुम्हें हार सहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं मुझे कुछ अब कहना। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए मेरी जान, मीडिया का हम पर ही है ध्यान। मीडिया के दम पे कब तक उछलेगी यू मेरी जान। गौर से नजरें दौड़ाई, आए नहीं अब तक मेहमान। गाइस गाइस प्लीज काम डाउन। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मेरी जान ने जो आप लोग इतना नाराज होकर। जब जान हमसे इतना प्यार कर सकते हैं, अपनी सासू मां की इतनी इज्जत करते हैं, तो थोड़ा बहुत मजाक भी सही। और ये भी तो देखिए, जब जमाई अपनी सास की निशानी बांध सकते हैं तो आज सास भी दिखा दे कि उन्हें अपने जमाई का कितना लाड़। चलिए आज माँ ही नहीं,
आपकी जान भी मंच पर परफॉर्म करेगी। दिल थाम कर बैठिएगा, कहीं अपनी जान को परफॉर्म करते हुए देखकर आपकी धड़कनें थम ना जाएं। जीजू, मुझरा शुरू होने वाला है, आप कहें तो कचरा मंगवा दो, फील आएगी। मेरे बेटे को इस घर से नहीं ले जा सकता, मेरे जीते जी तो कभी नहीं। जान, क्या जान, आप अब भी इतनी दूर बैठे हैं, आप अपनी जान की तारीफ तो करते नहीं थकते। आज मां के सम्मान में कुछ कह दीजिए। सब इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर व्यास, क्या बोलना चाहेंगे आप? मिस्टर व्यास, आपकी क्या राय है? दो लोगों को नकली माँ बाप बनाकर लेकर आना, उनके हाथों सारे सबूत भिजवाना, हमें डराकर वो अपना मतलब ही तो निकलवाना चाहती हैं। आप नरेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे ना, तो ले जाओ बेटा। अब ये लोग क्या चाहते हैं? उसका पता लगाने हम आ रहे हैं व्यास मंच, नई टोपी पहनकर। एक चॉकलेट खाने के बाद महक को नहीं पता चलेगा कि उसके साथ शौर्य है या कोई और। जब अरमान भाईजान उसके बंद करो उसको, नहीं देख सकता, बंद करो उसको। देख देख, तेरी बीवी महक का शिकार करने वाले हैं भाई जाना। अरे बंद करो उसको। ये कोर्ट का नोटिस है, प्रेम राठौड़ को आपके नाम और आपकी जायदाद से बेदखल करने की मांग की है उन्होंने। हेलो राजवीर, लगता है आपको हमारी नोटिस मिली। पर मुझे ऐसा लगता है घर परिवार के मामलों को कोर्ट तक ले जाना ठीक नहीं, तो एक काम करते हैं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ओके, इस आदमी के मुंह लगने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला। ये सब मैंने एक प्लान के तहत किया है और तुम जितना कहा है ना बस उतना करो, समझी? तो चुपचाप भाई के कमरे में जाओ, उसे ढूंढो, किसी ड्रिंक में ये दवाई मिलाकर पिलाओ, उसे बेहोश करो और उसको बेड के नीचे कर दो। और जब दादी वापस आएंगे तब हम प्रज्ञा के साइन लेकर सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। उसने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर दिए और वो आता भी होगा। प्रज्ञा को अभी कुछ मत बताना मेरी वसीयत के बारे में, ये सब मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा हुआ। अरे क्यों रो रही हो इतना? तुम्हारे इतने रोने से क्या जानकी आंटी वापस आ जाएंगी? बोलो। अरे तुम्हें पता नहीं है यार, तुम ना रोते हुए बिल्कुल अगली लगती हो, एकदम टेरिबल, समझी? तुम पागल हो? तुम्हें कोई होश भी है? तुम्हें पता है मैंने फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है कल।
ये पागल हो गए हो तुम? लगता है इस लड़की का एकदम दिमाग खराब हो गया। यार क्या कर रहे हो? मुझे लगता है ये मंदबुद्धि हो गई ये लड़की। तो उसको इलाज की जरूरत है। सब बस ये खुद सही शुरुआत।